हेलो दोस्तों, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं। वेयर डू वी रिपीट आर्टिकल्स? अब तक हमने ये देखा कि कहाँ पे आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल्स को रिपीट करना है। When we refer to two different persons or object, कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में हम दो चीज़ों को रेफर करते हैं, मतलब दो स्पेसिफिक चीज़ों को रेफर करते हैं या फिर दो स्पेसिफिक लोगों को रेफर करते हैं, तो ऐसे केस में हमको आर्टिकल को भी दो बार रिपीट करना होगा। जैसे द क्लर्क एंड द ऑफिसर आर कमिंग, मतलब क्लर्क भी आ रहा है, ऑफिसर भी आ रहा है। तो क्लर्क जो है वो एक स्पेसिफिक इंसान है, ऑफिसर एक स्पेसिफिक पर्सन है। तो चूंकि हम दो स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसीलिए हमने आर्टिकल को भी दो बार रिपीट किया है, द क्लर्क एंड द ऑफिसर आर कमिंग। तो यहाँ पे ये अगर ऑफिसर है तो ये क्लर्क है, तो दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन यही अगर हम ऐसा कर दें कि द क्लर्क एंड ऑफिसर आर कमिंग, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस का मतलब? नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कहते हो, ये सेंटेंस आपका एक्चुअली गलत हो जाएगा। जब आप कहोगे कि द क्लर्क एंड ऑफिसर इज कमिंग, ऐसा ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी हम द क्लर्क एंड ऑफिसर कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं जो क्लर्क भी है और ऑफिसर भी है। मतलब उसका डुअल रोल है, उसका डबल रोल है। वो क्लर्क के जैसे भी काम करता है और वो ऑफिसर के जैसे भी काम करता है। इसका मतलब यही हुआ जब आप कहोगे द क्लर्क एंड ऑफिसर, मतलब द क्लर्क कम ऑफिसर, तो हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। तो जब हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आर नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे इज। द क्लर्क एंड ऑफिसर इज कमिंग, मतलब एक ही बंदा जो क्लर्क भी है और ऑफिसर भी है वो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जिस सेंटेंस में आप दो स्पेसिफिक लोगों की बात करना चाह रहे हो, वहां पे आपको आर्टिकल भी दो बार यूज करना होगा। क्योंकि अगर आप एक बार आर्टिकल यूज करोगे, इसका मतलब है कि वो दोनों चीजें एक ही ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही बॉट अ रेड एंड अ ब्लू कार। उसने एक रेड और एक ब्लू कार खरीदी, यानी कि उसने दो कार खरीदी, एक कार रेड है एक कार ब्लू है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक रेड कार एक ब्लू कार। ठीक है, चूंकि उसने यहाँ पे एक क्वांटिटी की बात की जा रही है, इसीलिए हमने द यूज नहीं किया। क्योंकि अगर हम कहते कि ही बॉट द रेड एंड द ब्लू कार, इसका मतलब होता है उसने एक कोई स्पेसिफिक रेड और एक स्पेसिफिक ब्लू कार खरीदी है। बट इस केस में उसने कोई भी एक रेड कार खरीदी है, एक ब्लू कार खरीदी है। ठीक है, अगर यही हम कहें ही बॉट अ रेड एंड ब्लू कार, इसका मतलब क्या हो गया? उसने एक ऐसी गाड़ी खरीदी है जिसमें रेड भी है और ब्लू भी है। तो आप देखिए दोनों सेंटेंस का मीनिंग कितना चेंज हो गया। पहले सेंटेंस में उसने एक रेड कार और एक ब्लू कार खरीदी है, दो कार्स खरीदी है। दूसरे सेंटेंस में उसने एक ही कार खरीदी है जिसमें रेड और ब्लू दोनों कलर है। तो ये सिग्निफिकेंस है आर्टिकल के रिपीट करने का। तो जहां पे आपको लगता है कि आप दो अलग अलग चीजों के बारे में बात करना चाह रहे हो, जैसे इस केस में हम दो डिफरेंट क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट अगर एक भी है बट हम दो अलग अलग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो उस केस में जो है, जैसे दोनों ही कार है बट एक रेड कार है एक ब्लू कार है, बट जब हम कह रहे हैं कि भाई एक ही कार है जिसमें रेड भी है और ब्लू भी है, राइट? तो उस केस में हम एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से जब हम दो अलग अलग चीज़ों को रेफर करना चाह रहे हैं तो हमको आर्टिकल्स को रिपीट करना ही पड़ेगा। अगर हम रिपीट नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग कुछ और हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज विजिट examfear.com फॉर फ्री क्वालिटी एजुकेशन। यू कैन लर्न विद अ सिंपल 4-step लर्निंग प्रोसेस वेर इन यू कैन वॉच वीडियो लेसन्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन रेफर नोट्स एंड यू कैन टेक अ फ्री ऑनलाइन टेस्ट। वी हैव कॉन्टेंट फॉर क्लास 6 to 12 ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल वीडियोज। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।